लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था बालाजी वेलफेयर फाउंडेशन ने आज पहली वर्षगांठ के अवसर पर अन्नदान अभियान चलाया। इस अवसर पर पदाधिकारियों द्वारा कामोठे और खारगर के कई इलाकों में फुटपाथ और झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंदों को खाद्यान्न और उपहार बांटा गया। संस्था की अध्यक्ष मंजू गौतम ने कहा कि फाउंडेशन का यह जनसेवी अभियान आगे भी जारी रहेगा। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन की आर्थिक तंगी ने गरीबों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। हालांकि बालाजी वेलफेयर फाउंडेशन ऐसे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहा है। आज फाउंडेशन की ओर से कामोठे और खारगर में कई इलाकों में अन्नदान अभियान चलाया गया, जहां पदाधिकारियों ने फुटपाथ और झोपड़ियों में रहने वाले सैकड़ों लोगों को अन्न का पैकेट उपहार वितरण किया। इस अवसर पर बालाजी वेलफेयर फाउंडेशन उपाध्यक्ष हेमंत सिंह, ट्रेजर संजय सिन्हा एवं वेदनानंद तिवारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। आज के अन्नदान अभियान पर अध्यक्ष मंजू गौतम ने कहा कि फाउंडेशन सेवा और सहायता का संकल्प लेकर काम कर रहा है और जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे भी काम करता रहेगा। हमारी संस्था एक साल से एक्टिव है और हमारा मेन उद्देश्य है कि हम जितना गरीबों की हेल्प कर सकें, अन्नदान कर सकें, उनके लिए वस्त्र दान कर सकें, वो हम कोशिश करते हैं। हमारे सब भाई जो हैं हमारी संस्था में, सब लोग काफ़ी अच्छे से हेल्प करते हैं, बहुत एक्टिव हैं। जिसको जब भी कुछ ऐसा होता है सब लोग आते हैं और जितना हो सकता है सब लोग हेल्प करते हैं। आज हमने मतलब ये था कि कुछ सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोग दें सबको, तो जहाँ जहाँ पे हमें मंदिर गए थे हम लोग, वहाँ पे भी हमने करीब 40-50 लोग थे उनको भी हमने सुबह का नाश्ता दिया। और अभी यहाँ पे भी हम लोग आए हैं खारघर में, तो यहाँ पे भी जो झोपड़पट्टी के साइड में लोग रहते हैं उनको भी हम लोगों ने खाना दिया और बिस्किट वगैरह दिया। तो कोशिश हमारी यही है कि जितना अच्छा हम कर पाएँ, वो जितना प्लस हो हमारा वो हम दें सबको। वीडियो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।